नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पीएम मोदी गुरुवार को नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे। यहां वे स्वर्णिम विजय मशालों के स्वागत और सम्मान समारोह में हिस्सा लेंगे और जंग में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। पिछले साल 16 दिसंबर को पीएम ने 4 स्वर्णिम विजय मशालों को प्रज्वलित किया था। इन मशालों को देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाया गया। इनमें 1971 युद्ध के परम वीर चक्र और महावीर चक्र विजेता सैनिकों के गाँव भी शामिल है। ये मशाल देश भर में सिचाईन से कन्याकुमारी, अंडमान निकोबार से लोंगेवाला, रणकच्छ और अगरतला तक ले जाए गए थे। श्रद्धांजलि समारोह के दौरान इन चारों मशालों को एक ज्वाला के तौर पर विलय किया जाएगा। वॉर मेमोरियल पर पीएम स्वर्णिम विजय वर्ष के समापन समारोह में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी ने गुरुवार को ट्वीट करके कहा, मैं 50वें विजय दिवस पर मैं मुक्ति योद्धाओं, वीरंगनाओं और भारतीय सशस्त्र बलों के वीरता और बलिदान को याद करता हूं। हमने साथ मिलकर दमनकारी ताकतों से लड़ाई लड़ी और उन्हें हराया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश में विजय दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम में मौके पर ढाका पहुंचे हैं। वह 3 दिन के बांग्लादेश दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि स्वर्णिम विजय दिवस के अवसर पर हम 1971 के युद्ध के दौरान अपने सशस्त्र बलों के साहस और बलिदान को याद करते हैं। 1971 का युद्ध भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। हमें अपने सशस्त्र बलों और उनकी उपलब्धियों पर गर्व है। इस युद्ध के अंत में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। पाकिस्तानी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए.ए. नियाज़ी ने भारत के पूर्वी सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण किया था। 16 दिसंबर की शाम जनरल नियाज़ी ने आत्मसमर्पण के दस्तावेज साइन किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।